हेलो गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई डेल का कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके अंदर क्या हो रहा है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ऑन बूट होता है और बूट होने पर आपको एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपकी विंडो रिपेयरिंग का मोड ऑन हो जाता है और वो कुछ परसेंटेज तक बताता है 10, 25, 50, 100 और जैसे 100 होता है वहाँ पर वो रिस्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रिस्टार्ट होता है दोबारा यही प्रोसेस होती है और वो बोलता है कि आपका डिवाइस रिस्टार्ट कीजिए उसके बाद बूट होगा। तो इस तरीके से वो एरर आपको बार बार प्रॉब्लम आती है और आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो पाता। तो आज जानेंगे दोस्तों इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं और क्या आप अपने डेटा और कंप्यूटर को दोबारा से प्रॉपर ऑन कर सकते हैं या नहीं, या फिर मान लो आपका विंडो क्रैश हो गया तो कैसे आप अपने ओरिजिनल विंडो को दोबारा ला सकते हैं और कैसे आप अपने डेटा को भी जो आपने उसमें पढ़ा था वो कैसे बचा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपकी समस्या क्या है या ये नहीं थी या और कुछ भी पूछना था तो कमेंट में मेंशन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। फाइनली दोस्तों मैं आपको उस कंप्यूटर के पास लेके आ गया हूँ जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें ब्लू स्क्रीन करके एरर आती है और विंडो रिपेयर होती है बट विंडोज़ ऑन नहीं हो पाती और ब्लू स्क्रीन होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर बार बार स्टार्ट हो रहा है। ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने अभी कंप्यूटर ऑन किया और ये ब्लू स्क्रीन आ गई और कुछ टाइम बाद वापस ही रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इसमें दोबारा से ओरिजिनल विंडोज़ इसकी रिकवरी जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पेन ड्राइव हमने इसकी रिकवरी बना ली है, कैसे बनाने हैं रिकवरी वो अगर आपको नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको रिकवरी बना सकते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होता है आपको आपके कंप्यूटर का F12 दबाना है। जैसे आप F12 अगेन एंड अगेन दबाते हैं, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे F12, आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपका जो बूट मेन्यू है वो ऑन होगा और बूट मेन्यू जैसे ऑन होगा आपको यहाँ पे UEFI की आपकी जो पेन ड्राइव है वो सेलेक्ट करा लेनी है जिसकी आपने इसकी डेल रिस्टोर इमेज फाइल बनाई है। तो वो हमने इसकी सेलेक्ट करा दी है और अब इसको हम एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं आपके सामने यहाँ पे डेल का लोगो आ जाएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है रिकवरी मोड पे जाना स्टार्ट कर देगा। तो रिकवरी मोड इस तरह से स्टार्ट हो गया है जहाँ पे लिखा हुआ आएगा सपोर्ट असिस्टेंट OS रिकवरी। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो अटक अटक के चल रहा है, बट ये अटक के नहीं चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक ऐसे रिकवरी ले रहा था, इस वजह से हमने इसको थोड़ा स्किप कर दिया जिसकी वजह से आपको ज़्यादा देखना ना पड़े, वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे रिकवरी वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके सामने जिसमें कुछ लेआउट आपको इस प्रकार का दिखेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्ट करा देना है अगर आपके पास इस जगह जाना है आपको, और वायर्ड कनेक्शन है तो वायर्ड कनेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और वायरलेस है तो वायरलेस कनेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वायरलेस है, उसके बाद मेरे पास वायर्ड कनेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक IP होगा तो वो आप स्टैटिक IP यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपना पर्सनल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक पे भी सेलेक्ट करके आप नीचे से अप्लाई एंड ओके कर दीजिए। तो जैसे ही दोस्तों आप ओके एंड अप्लाई करेंगे यहाँ पे डन एंड अप्लाई, तो आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट एंड रीसेट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे रीसेट एंड अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन आएगा येस गिव एंड ट्रांसफर माई डेटा। अगर आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी डिवाइस के अंदर, आपका कंप्यूटर का क्रैश होने के बावजूद भी आप अपना डेटा जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये चीज़ सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आप यूज़र यूज़ कर रहे होंगे उसकी डिटेल आएगी। जैसे मेरे पास 3 यूज़र हैं यहाँ पे, तीनों की डिटेल आ गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये नोट देगा कि भैया आपका डेटा है जो ट्रांसफ़र होने के लिए आपको यहाँ पे कोई अलग से कोई हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी जिसमें आपका ये डेटा होगा। अगर आपके पास वो हार्ड ड्राइव है तो आप लगा दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप इसमें नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा कि अगर आपने हार्ड ड्राइव लगा रखी होगी तो सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं लगा रखी होगी तो ये इस तरीके से एरर देगा। उसके बाद ये एस ड्राइव और आई ड्राइव इसके अंदर पड़ी है। एस ड्राइव में हमारा जो डेटा है वो है और उसके बाद ये जो ड्राइव है वो है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है
कि जो बैकअप है आपका किस में है, अगर दोनों में है तो दोनों पे टिक लगा के आप इसको नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक आ जाऊँगा क्योंकि मुझे जो डेटा है किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं करना, मैं डायरेक्ट इसको जो है क्लीन करना चाहता हूँ और ओरिजिनल विंडोज़ इसका इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैं ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे चेक लगा के नेक्स्ट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है फुल्ली तरीके से क्लीन हो जाएगा, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई डेटा नहीं बचेगा। तो आपको अगर वो एक्सेप्ट है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है वो रीसेट होने लग गया है और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तो आप थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि अब जो चीज़ होने वाली है वो होगी काफ़ी टाइम लेगी। और ये डिपेंड करती है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर, अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट का स्पीड है तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, मुश्किल से 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं और 8 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड योर इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट 4 Mbps का प्लान था तो भी काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पे, तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप वेट करेंगे तो यहाँ ये डेटा, ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम तक चलेगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो बता रहे हैं। तो जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको बोलेगा कि आप अपनी जो पेन ड्राइव है वो निकाल लें और इसको रिस्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ अनप्लग योर पेन USB ड्राइव, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये देखिए आप देख सकते हैं प्लीज़ अनप्लग द USB बिफोर रिस्टार्टिंग। तो ये मेरी पेन ड्राइव है, मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ और इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा मुझे ये सेलेक्ट करके। तो यहाँ मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, अब ये जो है खुद ही ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने लग गया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है, अब दोबारा से आपको पेन ड्राइव नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिकली जो है बूट करेगा अपनी हार्ड ड्राइव से, क्योंकि जो हमने बैकअप इसमें लगाया था पेन ड्राइव के थ्रू वो इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब ये जो भी फाइलें चाहिए होगी ऑटोमेटिकली ये आपके जो सी ड्राइव में इनने सेव करी है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और जो ज़्यादा इसको ज़रूरत होगी वो इंटरनेट से ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अब वेट करना है और जो आगे प्रोसेस आएंगे वो देखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी टाइम भी ये प्रोसेस लेगा और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दोबारा से हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है, अब दोबारा से ऑन होगा ये, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये ऑटोमेटिक हो रहा है बस आपको वेट करना है, जो भी होता है वो देखते रहना है। तो यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद अभी देखेंगे कि आपके पास एक वापस एक विंडो आ जाएगी जिसमें इंस्टॉलेशन मोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विसेज है जो ऑटोमेटिकली ये ले रहा है, फाइलें कॉपी कर रहा है इसके अंदर। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आपको दिखाते हैं हम। तो इस तरीके से अगर आपने अगर बैकअप बनाया है तो आप वो हार्ड ड्राइव लगा दें जिसमें आपने बैकअप ऐड किया था और उसके बाद इसको लगा दें, तो अगर ऑटोमेटिकली जिस हार्ड ड्राइव आपने लगाई थी बैकअप के लिए अगर आपने वो किया होगा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली उठा के उसको रिस्टोर कर देगा जहाँ पे जैसे पहला था। अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली वेट करेगा थोड़ा सा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का हमने डेटा बैकअप नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करके आगे से उसको स्किप करके फॉरवर्ड कर गया है। कुछ टाइम बाद ये जैसे प्रोसीड हो जाएगा तो एक बार फिर से आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे कि अभी ये हो रहा है। और रिस्टार्ट होने के बाद अब जो स्क्रीन आएगी वो डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप तैयार करेगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है तो थोड़ा सा वेट करते रहिए। नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी दोस्तों यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद जैसे आप ये सब चीज़ कर लेते हैं तो आप जो है आपकी फाइनली डेस्कटॉप स्क्रीन रेडी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन रेडी हो जाएगी आप जो है अपना कंप्यूटर वापस से इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था फुल सेटअप वीडियो, आपको कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका भाई
इसी तरीके की यूजफुल वीडियो लाता रहता है। और कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल के जवाब देने की। और यहाँ पे दोस्तों मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाया, नहीं तो मुझे इस सेटअप करने में पूरे 3 से 4 घंटे लग गए थे, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड चलाया, क्योंकि आप जो है इतना वेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इसको जो मैनमेंट स्क्रीन ऑप्शन थे वो आपको समझाए, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।